गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महर्षि सांदीपनि यूट्यूब चैनल। माइसेल्फ तरुण सर, हियर ग्रेड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट एस्टिमेशन, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। We are learning also some examples in our previous video. Today we are learning exercise 1.3 example 2. Exercise 1.3 का example 2 सीखेंगे। इसमें first one है this one। इसको हम एक बार 100 से rounding off करेंगे, then rounding off nearest 10। तो first we rounding off 100। तो 3349 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, तो क्या आएगा? यहाँ 39 है और इसको नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है, तो क्या आएगा? 400। क्या आएगा? 400। देन 334, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, इसको भी नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है। यहाँ भी क्या है? 34 है, 34 इज लेस देन 50, मीन्स यहां भी क्या जाएगा? 300। फोर्थ वन, थर्ड वन, 4317, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, तो यहां लास्ट टू डिजिट क्या है? 50 से कम है, देन एज इट इज आएगा 4300। वी प्लस इट 0, 0, 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, we put 0 here and plus 1, 4 plus 1, 5, is known as estimated sum. Nearest 100. Okay. By rounding of nearest 10, nearest 10 के हिसाब से उसको rounding off करना है, तो we again write down 439, round off nearest 10, nearest 10 के हिसाब से इसको round off करना है, तो क्या आएगा? 440, then 334, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, यहां 34 को राउंड ऑफ करना है, तो क्या आएगा? जाएगा 330, देन 4317 है, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो क्या आएगा? 4320, देन वी प्लस इट 0, 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9, 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 10, we put 0 here and plus 1, 4 or 1, 5, then estimated sum, या नीचे लिखेंगे nearest 10, understand all of you how to convert nearest 100 and nearest 10, then we learn our next example,
राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड, तो क्या आएगा, इसको नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड ऑफ करना है तो 700 आएगा, तो 1,08,700। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 47,599, इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड से, तो क्या आएगा, इसको राउंड ऑफ करना है तो 47,600। क्यों 600 आएगा, क्योंकि यहाँ 99 है तो यहाँ प्लस 1 करेंगे और 0। देन वी सब्ट्रैक्ट इट, 0 में से 0 गया 0, 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 10 है, 10 में से 4 गया 6। दिस इज द एस्टिमेटेड डिफरेंस। Nearest 100. Now we are rounding off this number by 10. We write down here below 1,08,734. Round off nearest 10. Nearest 10 के हिसाब से हमें round off करना है, तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे 34 को, 3 को round off करना है, मतलब 1,08,730, बिकॉज यहाँ लास्ट डिजिट 4 है, मतलब 5 से कम है, तो इसको एज इट इज रखेंगे एंड 0 लगाएंगे। देन 47,599 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 इक्वल टू कितना आएगा, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ 9 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, मीन्स 599 को राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ 10 करेंगे तो यहाँ 0 होंगे, प्लस 1 यहाँ होगा, देन 600। तो वी राइट डाउन हियर 47,600, वी सब्ट्रैक्ट इट 0, 3, 1, 1 एंड 6 इज द एस्टिमेटेड डिफरेंस nearest 10. Understand this example all of you? Okay. Then we learn our next example. Now our example 3 is that 8,325 and 491. So 8,325 round off नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है तो इसको 25 है, 25 है तो क्या लिखेंगे, 8,300, क्योंकि यहां 50 से कम है। दिस वन 491 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, इसको नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है तो यहां क्या है, 91, 91 मतलब ये 10 डिजिट में 9 है, मतलब 5 से ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस 1। देन वी राइट डाउन हियर 500। व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब्ट्रैक्शन, तो क्या आएगा, 0, 0, या 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। देन वी बोरो फ्रॉम हियर, हियर राइट डाउन 7 एंड हियर 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 7, तो 7,800 एस्टिमेटेड डिफरेंस। नियरेस्ट 100। नाउ एस्टिमेटेड डिफरेंस नियरेस्ट 10 के हिसाब से ढूंढते हैं, 8,325 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 क्या आएगा, 25 का नियरेस्ट 10, 8,330। यहां ध्यान रखना कि लास्ट डिजिट क्या है, 5, 5 में हम क्या करते हैं, आगे वाले डिजिट में प्लस 1 करके 0 लगाते हैं। देन 491 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, तो ये क्या आएगा, 400
90. ओके देन भी सब्ट्रैक्टिव जीरो, अब थ्री में से नाइन जाएगा नहीं जाएगा. देन भी कैरी फ्रॉम हियर बोरो फ्रॉम हियर टू थर्टीन, थर्टीन में से नाइन गया फोर, अगेन भी बोरो सेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फोर गया एट और सेवन. तो हियर एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय नियरेस्ट 10 इक्वल टू डिफरेंस. अंडरस्टैंड अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 इक्वल टू, इसको नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 300. तो 489,300 देन 48,365 इसको राउंड ऑफ करेंगे नियर बाय 100 तो क्या आएगा यहां 365 है, तो 65 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन, तो 48,400 हो जाएगा. ओके देन वी सब्ट्रैक्ट इट जीरो जीरो, या थ्री में से फोर नहीं जाएगा. देन वी बोरो वन डिवाइड बाय 30, 30 में से फोर जाएगा क्या बचेगा 9, 8 में से 8 जीरो, 8 में से फोर गया 4 और 4. तो हियर फोर है 40,900. एस्टिमेटेड डिफरेंस नियरेस्ट 100 के हिसाब से, नियरेस्ट 100 ये आएगा. नाउ अवर लास्ट ऑप्शन एस्टिमेटेड डिफरेंस विद 10, राउंडिंग ऑफ 10. तो 489,348 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 के हिसाब से राउंड ऑफ करना है तो क्या आएगा यहां 48 है तो क्या हो जाएगा 50. तो 489,350 एंड 48,365 है उसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 के हिसाब से. तो यहां क्या है 65, 65 है तो क्या हो जाएगा 70. तो 48,370. ओके वी सब्ट्रैक्ट इट जीरो, यहां से बोरो करेंगे 15, 15 में से 7 गया 8, अगेन 12, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4 एंड 4. This is the estimated difference nearest 10 के हिसाब से. Understand all of you? तो सब लोगों को ये estimation near by 100 and near by 10 के हिसाब से for example दिए हैं. अपने घर से ऐसे ही अपने हिसाब से फॉर एग्जाम्पल लिखने हैं, उसको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है बाय नियरेस्ट 100 बाय नियरेस्ट 10 एंड ऑल्सो वी आर लर्निंग अबाउट नियरेस्ट 1000. ओके आई होप ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व दिस वीडियो प्रॉपरली एंड
Write down this example in your notebook. Nice day.